हेलो नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे YouTube चैनल पर। और इस चैनल पर आज हमारी जो क्लास होगी वो होगी बहुत इम्पोर्टेंट, जो है नॉर्थ ईस्ट को लेकर। आपको पता है अभी नॉर्थ ईस्ट में बहुत ज़्यादा क्या कैओस जैसी कंडीशन बन चुकी है, क्या वो सारे के सारे रीजन्स हैं, आज वो उन सबके बारे में बात करेंगे। पर उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ जितना हो सके अपना प्यार हम लोगों को देते रहिए, क्योंकि आप ही के प्यार की वजह से हम लोग यहाँ तक पहुँच पाए हैं। ये प्यार हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जितना हो सके वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और प्लीज जितना हो सके इस वीडियो को और अपने भाई बहनों तक, दोस्तों तक पहुंचाएं, ताकि वो लोग भी हमसे जुड़ सकें। तो फाइनली अपनी आज की क्लास को शुरू करते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा है, आज जो हमारा टॉपिक है वो होगा हमारा अनरेस्ट इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, कॉजेज एंड सॉल्यूशन। आखिर क्या है ये टॉपिक, आपको इसके बारे में अच्छे से अंदाजा होना चाहिए, क्योंकि इस टॉपिक को लेकर 100% आगे भी क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाते रहेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको पता है नॉर्थ ईस्ट इंडिया को लेकर लगातार कुछ ना कुछ डिस्प्यूट्स, कुछ ना कुछ बातें निकल के आती रहती हैं। डिस्प्यूट्स फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी मणिपुर को लेकर यहाँ पे चल रहा है, ठीक है, उससे पहले नागालैंड में चल रहा था, मेघालय में हम लोगों ने एक कंडीशन देखी जहाँ पे रिलीजियसली आपस में लोग लड़ रहे थे रिलीजन को लेकर। फिर हम लोग जब यहाँ पर बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश वाले रीजन की, तो वहां पर भी हमको देखने को मिलता है चाइना के साथ डिस्प्यूट। तो ये सारी चीजें कैसे शुरू हुई, क्या रीजन था, क्या इसका बैकग्राउंड था, वो सारी चीजें जानेंगे। पर ये ऐसे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप तैयारी कर रहे हो कौन से एग्जाम की, सीएपीएफ की, और सीएपीएफ के एग्जाम में इस तरीके के टॉपिक बिल्कुल पूछे जाते हैं। क्योंकि जब आप असिस्टेंट कमांडेंट बन के किसी पोस्ट पर पहुंचोगे, तो हो सकता है पॉसिबली शुरुआती के समय की जो पोस्टिंग होती है वो नॉर्थ ईस्ट जैसी जगह पर मिले। तो प्लीज आप लोग इसके लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि नो डाउट आपको भी आगे चलकर जनता के सामने सरकार को रखना है, आपको वहां पे लोगों के सामने खुद को रखना है। तो आप किस तरीके से वहां की प्रॉब्लम्स को से डील करेंगे आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले जरा यहाँ पे जान लेते, देखो ये हमारा नॉर्थ ईस्ट का रीजन है जो आप लोग यहाँ पे मैप में देख रहे हो। अब यहाँ पर बहुत सारे क्या डिस्प्यूट्स हैं, हर एक स्टेट में एक अलग क्या चल रहा है, यहाँ पर क्योस क्रिएट हो चुका है। अगर अरुणाचल प्रदेश में देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश में किसी तरह का डिस्प्यूट तो नहीं है, पर यहां पर भी एक प्रॉब्लम है। वो क्या है, वो है हमारा चाइना वाला रीजन। चाइना लगातार क्या करता है, अरुणाचल प्रदेश की टेरिटरी को लेकर डिस्प्यूट क्रिएट करता रहता है। अभी हम लोग आगे एक मैप देखेंगे, उसमें भी मैं आपको अच्छे से और डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पे लगातार जब से इंडिया आजाद हुआ है तब से हम लोग इस चीज को देख रहे हैं कि लगातार नॉर्थ ईस्ट में क्या इस तरीके के डिस्प्यूट्स आते रहते हैं। वहां पे मिलिटेंट जो एक्शंस होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं, वहां पे गोरिल्ला वॉरफेयर लोग बहुत ज्यादा करते हैं, जिसकी वजह से काफी ज्यादा हमको क्या वहाँ पे प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। दूसरा क्या है, जो लोकल एरियाज होते हैं उनको डेवलप होने नहीं देते फिर वो लोग, क्योंकि उनको लगता है अगर ये लोग डेवलप हो जाएंगे आगे चलकर, अगर ये गवर्नमेंट के साथ मिल गए तो फिर ये कभी हमारा साथ नहीं देंगे। तो ये सारी प्रॉब्लम्स क्या नॉर्थ ईस्ट में बहुत ज्यादा होती है। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल बता रहा हूँ, यहाँ पर मैंने एक छोटा सा मैप भी आप लोगों के साथ रखा है। जब आप लोग हिस्ट्री देखोगे तो नॉर्थ ईस्ट के रीजन की और यहाँ पर ये जो आपका म्यांमार वाला रीजन है, यहाँ पर जो हिस्ट्री है ये दोनों की ऑलमोस्ट एक जैसी हिस्ट्री है। क्यों हिस्ट्री जैसी है, एक्चुअल में म्यांमार वाले रीजन से काफी पहले क्या होता था कि अटैक्स होते थे इंडिया की एक नॉर्थ ईस्ट टेरिटरी को कैप्चर करने के लिए। फिर असम में एक अहोम डायनेस्टी थी, वो भी अटैक किया करती थी, क्योंकि जो ये जो हमारा रीजन है असम वाला जो रीजन है, इसमें मेनली जो मेन डायनेस्टी थी अंग्रेजों के टाइम तक जो डायनेस्टी थी वो थी अहोम डायनेस्टी। अहोम डायनेस्टी ने इसे काफी क्या कर रखा था, कंट्रोल कर रखा था और काफी अच्छे से मेंटेन भी कर रही थी इस पूरी टेरिटरी को। पर आगे चलकर क्या हुआ, यहाँ पर जो म्यांमार रीजन के जो लोग थे, जो किंग थे, वो लोग क्या करने लगे, नॉर्थ ईस्ट के रीजन को कैप्चर करने की कोशिश करने लगे। फिर इंडिया का ये जो हमारा बंगाल वाला जो रीजन है, यहाँ पर भी सेम ऐसी चीज होती थी। अब मैं बांग्लादेश को टारगेट कर रहा हूँ, क्योंकि बांग्लादेश पहले इंडिया का ही पार्ट था, तो इसलिए मैंने वहां पर सर्कल किया। तो बांग्लादेश और हमारे जो बंगाल वाला रीजन था, यहाँ के किंग्स भी क्या करते थे, अटैक करते रहते थे। तो यहाँ पर क्या बहुत सारे डिस्प्यूट्स क्रिएट हो गए। फिर जो यहाँ का ज्योग्राफिकल कंडीशन थी वो ऐसी थी कि यहाँ पे जो मतलब ट्राइबल रीजन के लोग थे और जो लोग थे वो क्या हो गए, दूसरी दूसरी जगहों पर जाकर शिफ्ट हो गए। माउंटेन रीजन की जो वहाँ की टेरेन इस तरीके की है, वहां पे जाकर लोग छुप छुप के रहने लगे, अपनी जो उनके जो एथिक्स थे उनको फॉलो करने लगे, जिसकी वजह से क्या हुआ, वो अपनी परंपराओं को, अपने आप को बचा के रखा। और उनके अंदर ना एक रिबेल वाली वो आ गई, एक विचारधारा आ गई कि लगातार हमारे ऊपर अटैक होता है और हमको क्या करना है, इसके अगेंस्ट फाइट करना है। अब ये लगातार ये जो विचार पैदा हो रहा था, लगातार ये जो चीज आ रही थी उनके माइंड में, उसकी वजह से क्या हुआ, एक बहुत लंबे टाइम तक चलते 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 आज के टाइम पर भी लोगों के अंदर वही भावना आ गई, क्योंकि शुरुआत से ही उनके पूर्वजों ने उस तरह से क्या किया, लगातार फाइट किया।
तो सबसे पहले हम लोग इस ऐसे को जानते हैं, आखिर ये ऐसे को डील किस तरीके से करना है। तो सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट इंडिया को हमको टारगेट करना, बताना है कि हाँ ये जो स्टेट्स हैं उनमें क्या कंडीशन है, किस तरीके से उनमें कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा हुए। नो डाउट वहाँ की ज्योग्राफिकल कंडीशन, वहाँ का कल्चर, वहाँ का सोशल इकोनॉमिकल जो फैक्टर्स हैं वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे क्या एक अनरेस्ट की कंडीशन क्रिएट हो जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये चीज़ बतानी है। हिंदी वालों के लिए भी मैंने यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। उत्तर पूर्वी भारत में 8 राज्य शामिल हैं, जिसमें लगातार क्या अशांति संघर्ष से वो क्षेत्र हमेशा जूझता रहता है, हमेशा लड़ता रहता है। वहाँ की भौगोलिक, सांस्कृतिक और सामाजिक आर्थिक जो स्थिति है वो क्या है, काफी विषम है, काफी अलग है, जिसका वहाँ पे इम्पैक्ट देखने को मिलता है। दूसरी चीज, गवर्नमेंट भी यहाँ पर क्या कर मतलब प्रॉपरली इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व नहीं कर पा रही है, क्या वो कारण है वो भी देखते हैं। तो यहाँ पे आगे क्या बताया कि इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है वो क्या है, लगातार इस तरह की प्रॉब्लम से काफी लंबे टाइम से, कई दशकों से क्या हो रहा है, जूझ रहा है, कई लंबे टाइम से इसको देख रहा है, मतलब डेकेड से देख रहा है, दशकों से देख रहा है। मतलब अब इसके पीछे कई सारे कॉम्प्लेक्स फैक्टर्स हैं, उनको स्टडी करना होगा। जिन फैक्टर्स में अगर हम लोग इसको हिस्टोरिकल इवेंट्स देखें तो वो अलग है, ज्योग्राफिकल फैक्टर्स इसके अलग हो जाएंगे, डेवलपमेंट फैक्टर्स अगर देखो जाएंगे वो अलग, और पॉलिटिकल फैक्टर्स अलग है। अब आप यहाँ पर इस चीज को भी टारगेट कर सकते हो, ध्यान से समझना। यू कैन टारगेट ऑन दीज बेसिस, हिस्टोरिकल बेसिस, ज्योग्राफिकल बेसिस, ऑन डेवलपमेंट बेसिस एंड पॉलिटिकल बेसिस। पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए कई बार क्या करते हैं, जो लीडर्स होते हैं वो अपने पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए क्या करते हैं, लोगों को आपस में लड़वाते रहते हैं। ये हम लोगों ने शुरू से देखा है, जैसे शुरुआत से ही इंडिया में हिंदू मुस्लिम राइट्स जो होते रहते थे वो पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड होते थे, आज के टाइम पर भी कई बार ऐसा होता है। ज्योग्राफिकली देखा जाए तो बिल्कुल नो डाउट ये बात सच है कि ज्योग्राफिकल फैक्टर एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि इसके ज्योग्राफिकल फैक्टर को अगर देखोगे तो नॉर्थ ईस्ट में डेवलपमेंट कर पाना बहुत मुश्किल था, और मुश्किल था ये तो समझ में आता है, पर ना करने की जो इच्छा थी सरकार की वो बहुत ज्यादा असर डालती है। तो शुरुआती जो हमारी सरकारें थी उन्होंने बिल्कुल भी नॉर्थ ईस्ट के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया, उसकी ज्योग्राफिकल कंडीशन को कभी भी उन्होंने एक्सप्लोर करने की कंडीशन मतलब कोशिश नहीं की, उन्होंने उस ज्योग्राफिकल कंडीशन को बिल्कुल ही नल अवॉइड करके समझ लिया कि वहां पे कुछ हो ही नहीं सकता हमारे लिए। तो जब इस तरीके की आप कंडीशन करोगे, पैदा करोगे, तो नो डाउट वहां के जो लोग होंगे उनके अंदर ये विचार आएगा ही आएगा कि हम लोग लगातार सरकार को वोट दे रहे हैं, हम लोग लगातार देश के लिए सरकार को चुन रहे हैं, और उसके बावजूद भी सरकारें हमारे ऊपर ध्यान नहीं दे रही हैं, हमारे एरिया को डेवलप नहीं कर रहे। अगर आज के टाइम पर भी आप नॉर्थ ईस्ट एरिया एरिया में जाओगे, रीजन्स में जाओगे, तो आपको देखने को मिलेगा वहां पे आज के टाइम पर भी मॉल्स डेवलप ही नहीं हो पाए हैं, ठीक है, कई बेसिक सर्विसेज लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है। तो वो चीज को आपको यहाँ पे टारगेट करना है, ठीक है। डेवलपमेंट फैक्टर नो डाउट ये बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालता है, इसके साथ आप इस चीज को भी टारगेट करोगे कि यहाँ पर इस डेवलपमेंट फैक्टर के साथ साथ लोगों को पास जो बेसिक सर्विसेज होती हैं, इलेक्ट्रिसिटी होती है, रोड ट्रांसपोर्टेशन है, कम्युनिकेशन लिंक्स हैं, स्कूलिंग है, हॉस्पिटल्स हैं, ये सब भी अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं। पॉलिटिकल फैक्टर मैंने आपको बता ही दिया है पहले ही कि लगातार लोगों को क्या किया जाता है, आम दुनिया से लोगों से अलग करके रखा जाता है। पॉलिटिकली जो लोग इन्फ्लुएंस करते हैं लोगों को वो बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालते हैं, वो जब लोगों को अलग करके रखते हैं तो वो आगे क्या करेंगे, उनको अपने तरीके से इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। तो ये पॉलिटिकल इंपैक्ट तो यहाँ पे बहुत ज्यादा पड़ता है, ठीक। फिर जो ऑलरेडी इस तरीके के ग्रुप्स हैं जो वहाँ पे मिलिटेंट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, उनके जो लीडर्स हैं वो भी क्या करते हैं, अपने पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए यहाँ पे लगातार जो वहाँ के भोले भाले लोग हैं उनको भड़काते रहते हैं, और उनको किसी तरीके से क्या करते हैं, अपनी ग्रुप में इन्वॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और कई सारे ग्रुप्स ऐसे हैं जिसमें केवल और केवल 200-300 लोग हैं, ठीक है, और इतने छोटे छोटे ग्रुप भी इतना बड़ा वहां पे इंपैक्ट क्रिएट कर देते हैं। किसी एक गांव में जाएंगे, सडनली अगर वहां पे डेवलपमेंट हो रहा है तो वहां के सारे ऑफिसर्स को भगा दिया जाएगा, मशीनरीज को लूट लेंगे, वहां से पैसा लेकर भाग जाएंगे, इस तरह के एक्शंस होते हैं, तो जिसका बहुत ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिलता है। अभी रिसेंटली आप लोगों के सामने जो एक केस है वो कौन सा है, आपका मणिपुर का केस है। मणिपुर वाले इंसिडेंट को अगर आप लोग देखोगे तो ये सच में बहुत ज्यादा बड़ा इवेंट है, अगर आप लोग इसको टारगेट करोगे तो सीरियसली बहुत ज्यादा बड़ा इवेंट है कि सडनली अचानक से ऐसा क्या हो गया कि मणिपुर में सडनली इतना ज्यादा ड्रास्टिक इवेंट मतलब ड्रास्टिक चेंज आया कि लोग एक दूसरे को मारने को तैयार है। और आपको पता है सिर्फ दो कम्युनिटी हैं आपस में, नागा और मैथी दो कम्युनिटीज हैं, जो मेन जो प्रॉब्लम शुरू हुई थी वो यहीं से हुई थी। जो मैथी कम्युनिटी थी उनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा कम हो गई थी सडनली, और उन्होंने अपने लिए क्या वहां पर एक SC ST डिमांड की कि हमको SC ST कम्युनिटी जो शेड्यूल होता है उसमें डाल दो, ताकि हम लोगों को कुछ स्पेशल राइट्स मिल सके, हम लोग अपने बच्चों के लिए अपनी फ्यूचर के लिए कुछ कर सके। फाइनली वहां पे हाई कोर्ट ने उस चीज को एक्सेप्ट किया, तो वहां की जो नागा कम्युनिटी थी जो ऑलरेडी ST शेड्यूल में है
उन्होंने क्या कर दिया, इसके अगेंस्ट एक्शन लेने शुरू कर दिए और वहां पे मैथी कम्युनिटी को लगातार मारना शुरू कर दिया। अब यहाँ पर काफी ज्यादा क्या एक रिलीजियस इवेंट भी हमको देखने को मिला, क्या जो नागा कम्युनिटी है वो मोस्टली फॉलो करते हैं क्रिश्चियनिटी को और जो मैथी कम्युनिटी है वो मोस्टली फॉलो करती है हिंदुइज्म को। अब यहाँ पर हमको देखने को अजीब क्या मिलता है, अजीब ये देखने को मिलता है, हम लोग एक तरफ जहाँ बात करते हैं कि इंडिया में मेजोरिटी जो है वो हिंदुओं की है, ठीक है, हर स्टेट में मेजोरिटी हिंदुओं की है, पर इतनी मेजोरिटी होने के बावजूद भी अगर किसी मतलब आप पर्टिकुलरली हिंदू रिलीजन के किसी एक पर्टिकुलर स्टेट में इस तरह से वहां के लोगों को मार रहे हो पीट रहे हो, तो कहीं ना कहीं हमको ये पता चलता है कि जो डेमोग्राफिक चेंज है ये बहुत ज्यादा हो रहा है, ये जो पॉपुलेशन में जो चेंजेस हैं काफी ज्यादा इंपैक्ट डालते हैं। अब ये काफी हद तक पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी है, थोड़ा बहुत यहाँ पे हिस्टोरिकल फैक्टर्स भी हैं कि किस तरह से हमारी गवर्नमेंट्स ने यहाँ पे गलतियां की हैं, खैर वो सारी बातें बात की हैं उसके ऊपर फिर कभी चर्चा की जाएगी, परंतु अभी का जो ऐसे उसमें आप इस चीज को भी क्या कर सकते हो, ट्रिगर कर सकते हो। फिर हाँ यहाँ पर एक और पॉइंट है, कौन सा है, वो असम वाला है। अब असम वाले रीजन की अगर हम लोग बात करते हैं तो असम और मेघालय में क्या हो रहा है, डिस्प्यूट है, किसको लेकर, लैंड रीजन को लेकर। यहाँ पर भी प्रॉब्लम क्या है, लैंड रीजन को लेकर डिस्प्यूट है, दोनों ही एक लैंड रीजन को क्लेम करते हैं और उनके बॉर्डर पर हमेशा असम पुलिस और मेघालय पुलिस के बीच में आपस में गन फाइट होती रहती है। और ये सीरियसली बहुत ज्यादा बड़ी बात है कि दो स्टेट्स के लोग अपने ही देश के लोगों को मार रहे हैं, जिनकी एथनिसिटी, जिनके मतलब जो विचारधारा लगभग लगभग एक जैसी है, फिर भी एक दूसरे को मार रहे हैं सिर्फ एक छोटे से एरिया को लेकर, डिस्प्यूट्स को लेकर। तो ये अपने आप में बहुत ज्यादा बड़ी बात है और ये डिस्प्यूट आज से नहीं चल रहा, असम और मेघालय के बीच में ये डिस्प्यूट काफी लंबे टाइम से चल रहा है। फिर अगर मेघालय की बात कर ही रहे हैं तो वो भी जान लेते हैं जरा, मेघालय की जब बात करते हैं तो मेघालय में भी ये डिस्प्यूट बहुत ज्यादा है और यहाँ पर जो डिस्प्यूट है वो किसको लेकर, वो रिलीजन को लेकर है। सेम वही चीज जो मैंने आपको बताया मणिपुर में हिंदू और क्रिश्चियन, सेम मेघालय में भी वही चीज हो रही है। तो ये जो प्रॉब्लम लगातार आ रही है निकल के सामने, आखिर ये आ क्यों रही है, किस तरीके से इसको टैकल किया जा सकता है, कैसे इसके सॉल्यूशंस डिसाइड किए जा सकते हैं, आज फाइनली हम लोग इसी चीज के बारे में चर्चा करते हैं। तो अपने ऐसे की शुरुआत जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया अभी दो पैराग्राफ में, वो बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन है, आप उसको लिख सकते हो। फाइनली अब ऐसे को शुरू कैसे करोगे, द अनरेस्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट रीजन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम एंड देर इज द नो इजी सॉल्यूशन। किसी भी तरह का कोई आसान सॉल्यूशन यहाँ पर हमको देखने को नहीं मिलता, क्योंकि पूरे इंडिया में जो प्रॉब्लम चल रही है वो अलग है और नॉर्थ ईस्ट की जो प्रॉब्लम है वो बिल्कुल अलग है, और हमको सीरियसली नॉर्थ ईस्ट को बिल्कुल अलग तरीके से क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। हमको नॉर्थ ईस्ट की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको बिल्कुल ही अलग पॉइंट ऑफ व्यू के साथ देखना पड़ेगा। अगर हम लोग ऐसा नहीं करते तो हम लोग नॉर्थ ईस्ट की प्रॉब्लम को अगर बाकी इंडिया की रेस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स के साथ डील करेंगे तो ये सीरियसली बहुत बड़ा मतलब प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। हम इंडिया की बाकी प्रॉब्लम्स यूपी में, बिहार में, राजस्थान में अगर आप जाओगे तो प्रॉब्लम्स किस तरीके की बिल्कुल अलग है, नॉर्थ ईस्ट की प्रॉब्लम से बिल्कुल अलग है, ठीक है। तो आपको उस चीज को एड्रेस करना, हाउएवर बाय द एड्रेसिंग द रूट कॉजेज ऑफ द अनरेस्ट इट्स पॉसिबल टू क्रिएट अ पीसफुल एंड प्रॉस्पेरस फ्यूचर फॉर दिस रीजन। आप लोगों ने एक शुरुआत यहाँ पे अच्छी दे दी है, उससे पहले मैंने आपको जो पैराग्राफ बताए उनका आप लोग ध्यान रखना। यहाँ पर फाइनली आपके पास एक इमेज आती है, वो उस इमेज में अगर आप लोग देखोगे तो आपको यहाँ पे आराम से पता चलेगा कहाँ कहाँ पर कौन कौन से डिस्प्यूट्स हैं, ठीक है, असम में और बाकी के जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है कहाँ कहाँ पर किस तरीके के डिस्प्यूटेड रीजन है। और यहाँ पर जो मैं बात कर रहा हूँ ये बात कर रहा हूँ आसफा को लेकर, आसफा मतलब आपको पता होगा इसके ऊपर ऑलरेडी अभी मैंने रिसेंटली एक एसे लिया था जिसमें मैंने आपको पढ़ाया था, बताया था आसफा का क्या इम्पैक्ट है, क्या इसको हटाया जाना चाहिए नॉर्थ ईस्ट से या नहीं हटाया जाना चाहिए। तो ये भी एक रीजन है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि आसफा को लेकर 1958 में जो बना था उसको लेकर भी यहाँ पे काफी ज्यादा लंबे टाइम से क्या फाइट चल रही आ रही है। अब कौन कौन से रीजन में इसको लागू किया गया, कौन से रीजन में हटा दिया गया, तो फुल्ली लिफ्टेड जो है वो असम का काफी बड़ा रीजन है जहां से इसे पूरी तरह से हटा दिया गया, काफी बड़े रीजन में अभी भी असम के बाकी है बट धीरे धीरे वहां से भी इसको क्या रिमूव करने की कोशिश चल रही है। फिर जो अरुणाचल प्रदेश वाला रीजन है उसको बिल्कुल अलग तरीके से टैकल किया जाता है, वहां पर इस तरह की कोई प्रॉब्लम है नहीं तो वहां पर इसको लेकर भी नहीं आ सकते हम लोग असफा को। मणिपुर का अगर हम लोग रीजन की बात करें तो देखो ये जो मैं मणिपुर वाला रीजन आपको बता रहा हूँ ये जो सेंटर पॉइंट है मणिपुर का जो मेन रीजन है सेंटर पॉइंट है यहाँ पर जो है आसवा काफी हद तक क्या है माइल्ड कंडीशन में है, मतलब पार्शियल लिफ्टेड है, थोड़ा बहुत इंप्लीमेंटेड है, थोड़ा बहुत हटा दिया गया। बाकी का जो मणिपुर रीजन है यहाँ पर पूरी तरह से अभी भी क्या आसवा इंप्लीमेंटेड है। ये जो रीजन है यहीं पर ये पूरा का पूरा जो रीजन है मणिपुर का ये पूरा का पूरा रीजन जो मैंने सर्कल किया हुआ है ये कंप्लीटली माउंटेन रीजन है और जो सेंटर वाला रीजन है ये काफी हद तक प्लेन रीजन है, ठीक।
इसीलिए शायद ऐसा है कि वहां पर हमको देखने को मिलता है। फिर सेम ऐसी नागपुर जो नागा सॉरी नागपुर बोलो मैं नागालैंड की जो तीन डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां पर भी आसपा क्या किया गया, लागू किया गया और इसके कुछ रीजंस में हटा दिया गया और कुछ रीजंस में अभी भी मतलब पार्शियली लिफ्टेड है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, ये चीज आपको पता होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज एटलीस्ट आप लोग इस चीज को इस मैप को अपने पास सेव कर लो ताकि आपको पता हो, क्योंकि लगातार इसके लिए बात होती रहती है। अब आपको यहाँ पे कॉजेज एंड सॉल्यूशन को लेकर हम लोग टारगेट कर रहे हैं, तो कॉजेज कौन कौन से सबसे पहले उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले एथनिक डाइवर्सिटी एंड आइडेंटिटी, हर एक राज्य अपनी एक अलग विचारधारा के साथ चलता है। हम लोग अगर देखेंगे नॉर्थ ईस्ट के रीजन में, तो नॉर्थ ईस्ट के रीजन में लोगों के जो एक एथनिक एक बोलते हैं ओरिजिन है वो बिल्कुल एक जैसा ही है, जिसे हम लोग बोलते हैं एक मंगोलाइट जो उनका फेस व्यू है, ठीक है, वो बिल्कुल वैसा ही है। बट स्टिल यहाँ पर एक चीज इंपॉर्टेंट है कि इनकी जो परंपराएं हैं, इनका जो कल्चर है वो बिल्कुल अलग अलग है। तो यहाँ पर जो बात हो रही है वो किसकी है, कल्चरल आइडेंटिटी की है। तो यहाँ का पर जो कल्चर है लोगों का वो क्या है, बिल्कुल अलग है। अब कल्चर इतना ज्यादा अलग है, इतना ज्यादा डाइवर्स है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या लगातार होता रहता है, लगातार डिस्प्यूट्स होते रहते हैं, लगातार उसकी अपनी आइडेंटिफिकेशन को लेकर क्या यहाँ पे लड़ाई चलती रहती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे शुरुआत में जब इंडिया आजाद हुआ था तो एक असम को ही रखा गया था एज अ स्टेट, बाकी सबको उसमें इन्वॉल्व रखा गया था। आगे चलकर क्या यहाँ पे इतने ज्यादा डिस्प्यूट्स हुए कि बाद में हमको धीरे धीरे क्या करना पड़ा, इन सबको अलग अलग करना पड़ा। नागालैंड को अलग किया गया, मणिपुर को अलग किया गया, अरुणाचल प्रदेश को अलग किया गया, इन सबको धीरे धीरे क्या किया गया, अलग किया गया, क्योंकि लगातार इसी चीज को डिमांड को लेकर चल रही थी लड़ाई कि नहीं हमको एक अलग स्टेट बना दो, हमको अलग स्टेट बना दो। अब जिस तरीके से मणिपुर में जो कंडीशन है तो नो डाउट वहां पर भी इसी चीज की पहचान है ना कि यार हमारी आइडेंटिटी तो खत्म ही हो जाएगी अगर इस तरीके से आप लोग एक पर्टिकुलर लोगों को अगर सपोर्ट करोगे और दूसरे को सपोर्ट नहीं करोगे और इस तरह से आप भेदभाव क्रिएट करोगे तो नो डाउट उनकी आइडेंटिफिकेशन ही खत्म हो जाएगी। तो ऐसे में क्या वो लोग नो डाउट अपने फ्रीडम अपनी राइट्स के लिए अपनी लिबर्टी के लिए कहीं ना कहीं फाइट करेंगे करेंगे, और जब वो फाइट करेंगे तो फिर वही कंडीशन आ जाएगी, कहीं ना कहीं एक टाइम ऐसा आएगा जब वो हथियार उठाएंगे तो फिर वही प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी एक तरह से। तो वही चीज यहाँ पर भी आती है। फिर आता है यहाँ पर क्या, इंसर्जेंसी एंड आर्म मूवमेंट। अब इंसर्जेंसी एंड आर्म मूवमेंट है, यहाँ पर मैंने एक मैप लगाया हुआ है और ये मैप काफी हद तक आपको एक्चुअल में बता रहा होगा मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूँ। जी हाँ, मैं इशारा कर रहा हूँ चाइना की तरफ। चाइना लगातार चाइना हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है और यहाँ पर जितने भी इंसर्जेंसी होती है, जितनी भी हमारी आर्म्ड मूवमेंट होती है, इसको कम्प्लीटली ट्रिगर करने का काम, इसके ऊपर कम्प्लीटली एक तरह से बोला जाए हथियार सप्लाई करवाना, लोगों को मोटिवेट करना, लोगों में वो कम्युनिस्ट विचारधारा वो बीज बोना, ठीक है, कॉमरेड वाला जो एक थॉट होता है वो उनके अंदर डालना, ये बहुत ज्यादा चाइना करता है। और आज के टाइम पर भी अगर हम लोग देखें मणिपुर में जो कंडीशन आई है, वहां पर जो भी अब मिलिटेंट एक्शंस जो वहां पर हो रहे हैं, लोग लगातार जो हथियार ले रहे हैं अपने हाथों में, वो हथियार आप नोटिस करोगे तो सारे के सारे मेड इन चाइना हथियार हैं, वो कम्प्लीटली चाइनीज मेड हथियार हैं, उन्हीं का वो लोग वहां पर इस्तेमाल कर रहे हैं। अब नॉर्थ ईस्ट के मणिपुर में ये हथियार आए कहाँ से, तो ये आए कहाँ से, ये कहीं ना कहीं चाइना से आए, तो आप उस चीज को यहाँ पे ट्रिगर कर सकते हो। फिर उसके बाद आता है सोशो इकोनॉमिकल चैलेंजेस, ये नो डाउट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप लोग अगर कभी भी इंडिया के किसी भी रीजंस में बैठकर अगर आप लोग मेरा ये ऐसे सुन रहे हो और अगर आपको जब ये चीज सुनने में आ रही है, समझ में आ रही है, तो प्लीज कभी भी अगर आपको मौका मिले तो एटलीस्ट आप लोग ट्रैवल करना नॉर्थ ईस्ट। ट्रैवल करोगे जैसे ही आप असम एंटर करोगे, असम से थोड़ा सा जैसे ही आप आगे बढ़ोगे, असम में मेन जो आपका रेलवे स्टेशन है वो आपका गुवाहाटी है। गुवाहाटी में उतरने के बाद जैसे ही आप कुछ और एरियाज में को एक्सप्लोर करने की कोशिश करोगे, असम से थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करोगे, अरुणाचल जाओगे, नागालैंड जाओगे, मिजोरम जाओगे, मणिपुर जाओगे, त्रिपुरा जाओगे, तो आपको लिटरली ये चीज फील होगी यार कितना ज्यादा अलग है ये दुनिया। उसके पीछे रीजन है, हमारी जो गवर्नमेंट्स थी उन्होंने फोकस ही नहीं किया डेवलपमेंट पर। जब उन्होंने उस एरिया के डेवलपमेंट पर फोकस नहीं किया तो 100% क्या होगा कि वहां की जो सोशो इकोनॉमिकल चैलेंजेस है वो अपने आप बढ़ जाएंगे, लोगों का जो सामाजिक व्यवहार है वो बाकी देश के क्षेत्रों से अलग हो जाएगा, ठीक है, लोगों की जो आर्थिक स्थिति है वो नो डाउट इकोनॉमिकल कंडीशन जो आर्थिक स्थिति है वो कहीं ना कहीं देश के बाकी लोगों से अलग होगी होगी, और जब वो बाकी देश मतलब देश के बाकी लोगों से अलग होगी तो कहीं ना कहीं वो लोग अपने आप को समझेंगे कि कहीं ना कहीं भारत सरकार या सरकारें हमारे साथ भेदभाव कर रही हैं, ठीक है। तो इस चीज को ट्रिगर करने का काम आप यहाँ पे कर सकते हो। फिर इसके बाद आता है हमारा कौन सा, बॉर्डर डिस्प्यूट। तो बॉर्डर डिस्प्यूट के लिए आपके सामने एक मैप है, आप इस मैप को देखोगे तो यहां पर आपको क्या दिखेगा, आपका चाइना वाला रीजन,
चाइना लगातार यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश को लेकर डिस्प्यूट क्रिएट करता रहता है, सिक्किम की तरफ खैर करता रहता है, पर सिक्किम एक अलग कंडीशन है। दूसरी चीज क्या है, यहाँ पर ये एक चिकन नेक वाली कंडीशन है, आपको पता ही होगा, लगातार चाइना इसको लेकर टारगेट करता है, लगातार चाइना कोशिश कर रहा है किसी तरह से भूटान को, सिक्किम को ट्रिगर करे, किसी तरीके से वहां से क्या कर सके, एक तरह से एंट्री ले सके, ठीक है, किसी तरह से इंडिया के इस वाले रीजन को क्या कर दिया जाए, कट ऑफ किया जाए। इसका एक मैं बड़ा अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ, एक इंडिया में अभी एक बहुत ज्यादा जब CAA का विरोध चल रहा था, तो एक कोई बहुत बड़ा लीडर है, स्टूडेंट लीडर है, उसने ये बात बोली, मैं नाम यहाँ पे नहीं लूंगा, पर उसने ये बात बोल दी थी, और सोचो कितना ज्यादा डिस्प्यूटेड चीज है कि एक 30-32 साल का एक स्टूडेंट लीडर इस तरीके के मतलब कॉन्फ्लिक्ट वाली बातें बोल रहा है। उसने सीधे ये चीज बोल दी थी, शर्जील इमान, मैं खैर नाम लेकर बोलता हूँ, शर्जील इमान ने ये बात बोल दी थी कि असम का ये जो चिकन नेक वाला 25 किलोमीटर का ये जरा सा हिस्सा है, अगर हम लोग इसको कट ऑफ कर दें तो पूरा का पूरे असम और नॉर्थ ईस्ट को हम लोग क्या कर सकते हैं, देश से अलग करके वहां पर अपना मतलब अपना एक शासन स्थापित कर सकते हैं, भारत सरकार को वहां से अलग कर सकते हैं, वहां की सेना, वहां के सारे रिसोर्सेज को अलग कर सकते हैं पूरे भारत से। सोचो एक 30-32 साल का एक स्टूडेंट लीडर अगर इस तरीके की डिस्प्यूट बन गया, मतलब अगर बयान दे रहा है और इस तरीके की बयानबाजी कर रहा है, तो उसका कितना नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। अनफॉर्चुनेट कंडीशन क्या हो सकती है, सोचो कि आगे चलकर ऐसे कुछ लीडर्स को अगर बाहर चाइना जैसे लोग अगर इसे सपोर्ट करने लगे, ऐसा कुछ एक्शन लेने लगे, तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इंडिया के ऊपर, तो हमारी पूरी की पूरी इंटीग्रिटी को ही खतरा है। तो ऐसे लोगों के साथ अगर हम लोग एज अ टेररिस्ट बिहेव कर रहे हैं, उनको एज अ टेररिस्ट ही मान के अगर चल रहे हैं, तो कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे लिए नॉर्थ ईस्ट कितना इंपॉर्टेंट, और मैं आपको सच बताता हूँ, आज के टाइम पर खैर भारत सरकार ने इसके ऊपर फोकस करना शुरू किया है, ध्यान देना शुरू किया, तो अब फाइनली हमको ये चीज नजर आ रही है कि नॉर्थ ईस्ट में कितने ज्यादा रिच रिसोर्सेज हैं। नॉर्थ ईस्ट आज के टाइम पर हमें काफी सारे मिनरल्स प्रोवाइड करवा रहा है, रेस्ट ऑफ द इंडिया तक रिसोर्सेज प्रोवाइड करवाने का काम कर रहा है। हम लोग धीरे धीरे नॉर्थ ईस्ट के साथ अगर टूरिज्म को बिल्ड करें, तो टूरिज्म इतना ज्यादा रैपिडली ग्रो कर रहा है नॉर्थ ईस्ट में, जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते, अपने आप में बहुत ज्यादा, मतलब एक मतलब बोला जाए इंडिया की जीडीपी में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन नॉर्थ ईस्ट दे सकता है। बट सीधी सी बात वही है, अगर आप दुकान शुरू करोगे तो दुकान शुरू करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको पहले थोड़ा पैसा डालना पड़ेगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा ना। सेम इंडियन गवर्नमेंट को भी यहाँ पे डेवलपमेंट पे काम करना पड़ेगा, अगर डेवलपमेंट अच्छा होगा तो 100% है कि वहां से धीरे धीरे वहां पे जो हमारा एक तरह से बोला जाए टूरिज्म इतना ज्यादा डेवलप होगा कि वहां से खुद अपने आप लोग अपनी इनकम जनरेट कर लेंगे, भारत सरकार को अलग से वहां पे उनको स्पेशल पैकेज देने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर, ठीक है, आप लोग समझो यहाँ पर। तो बॉर्डर डिस्प्यूट वाला टॉपिक अपने यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, चाइना के पॉइंट को आप यहाँ पे ट्रिगर करोगे दोबारा से कि किस तरह से चाइना लगातार यहाँ पे बॉर्डर डिस्प्यूट क्रिएट करता है। दूसरा जो स्टेट्स हैं आपस में उनके बीच में भी बॉर्डर डिस्प्यूट है, मैंने आपको असम और मेघालय का यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिया था वो यही एग्जाम्पल था, ठीक है, जो आप यहाँ पर एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था असम और मेघालय का, ठीक है, वो एक्चुअल में यही एग्जाम्पल था। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी, अगर आपको कोई डाउट है तो मुझसे एक बार जरूर पूछना, ताकि मैं उस चीज को सॉल्व कर पाऊं आपकी प्रॉब्लम को। अब फाइनली बात करते हैं सॉल्यूशंस को लेकर, देखो सॉल्यूशंस बड़े खूबसूरत हैं। सॉल्यूशंस खूबसूरत कैसे, क्योंकि इन सॉल्यूशंस को मानना और इम्प्लीमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और ये करते ही देश की दशो दिशा बदल जाएगी नॉर्थ ईस्ट की। बट अनफॉर्चुनेट इसके लिए इंटेंशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। सबसे पहले प्रमोटिंग द इंक्लूसिव गवर्नेंस, समावेशी शासन को बढ़ावा देना, हिंदी में बोला तो। अब इंक्लूसिव गवर्नमेंट क्या, एक ऐसी सरकार, आप लोगों ने इंक्लूसिव फाइनेंस सुना होगा या डेवलपमेंट सुना होगा, गवर्नमेंट्स का क्या मतलब होता है, ऐसी गवर्नेंस जो एक्चुअल में आपकी कंडीशंस वहां के जो एथनिसिटी है उसको फॉलो करते हुए, वहां के रिलीजियस और रिलीजन जो डिस्प्यूट्स है उनको देखते हुए क्या कर सके, रैपिड एक्शंस ले सके, प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके, जल्दी से जल्दी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर सके, उनके सॉल्यूशंस डिसाइड कर सके। तो हमको एक इस तरीके की वहां पे क्या चाहिए, गवर्नेंस चाहिए। दूसरी चीज क्या है, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट्स। इकोनॉमिकल डेवलपमेंट जितना ज्यादा आप अच्छे से कर सकते हो, जितना ज्यादा उसको अच्छे से बढ़ावा दे सकते हो, उतना ज्यादा क्या वहां पर इम्पैक्ट पड़ेगा बेटर। नो डाउट इकोनॉमिकल डेवलपमेंट होगा तो लोगों की लाइफ स्टाइल अच्छा होगा, लोगों का जो मतलब जीवन जीने का तरीका है वो बेटर हो जाएगा। अगर वो बेटर हो जाएगा तो धीरे धीरे क्या इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हमको धीरे धीरे देखने को मिलेगा। आपको वहां पर क्या
रोड ट्रांसपोर्टेशन बेटर करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम बेटर करना पड़ेगा, जो भी इसेंशियल चीज़ें हैं, ठीक है, प्रॉपर हाउसिंग सिस्टम लोगों के लिए डेवलप करना पड़ेगा, ठीक है, लोगों को जो एग्रीकल्चर बेनिफिट्स होते हैं, जो गवर्नमेंट स्कीम्स होती हैं वो वहाँ पे प्रोवाइड करवानी पड़ेंगी, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे ज़रूरी हैं। सोशल जो कंसर्न है उनको जरूर ध्यान देना पड़ेगा। अगर हम लोग यहाँ पर बोलें तो सोशल कंसर्न लगभग लगभग क्या आपके इस इकोनॉमिकल कंडीशन से ही डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ पार्ट है, ठीक है। तो अगर सोशल कंसर्न को अच्छे से फोकस करना है तो उसके लिए क्या है कि वहाँ पे लोगों के बीच में जो डिस्प्यूट्स हैं, लोगों के जो ग्रुप्स बने हुए हैं, वहाँ की जो ट्राइबल रीजन्स हैं उनके बीच में जो डिस्प्यूट्स हैं उनको क्या किया जाए, खत्म करने की कोशिश की जाए। जैसे कि एक फेस्टिवल होता है बहुत बड़ा, हॉर्नबिल फेस्टिवल, ये होता है दिसंबर में। कब होता है? दिसंबर में ये फेस्टिवल होता है, हॉर्नबिल फेस्टिवल, और ये बहुत स्पेशल फेस्टिवल है। हॉर्नबिल फेस्टिवल, ये फेस्टिवल इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने आप में, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर गवर्नमेंट इसके ऊपर फोकस करे तो इसके साथ नॉर्थ ईस्ट के अदर स्टेट्स को और ज्यादा अच्छे से, नो डाउट अभी भी जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं वो सब एक जगह इकट्ठा होते हैं वहाँ पे हॉर्नबिल फेस्टिवल को, कुछ दिन जो वहाँ पे चलता है उसको सेलिब्रेट करते हैं, वहाँ पे सारी की सारी ट्राइब्स एक साथ आती हैं, बट इसको और ज्यादा रिच लेवल पे लेकर जाना चाहिए, और स्टेट्स को भी क्या वहाँ पे कंट्रीब्यूशन को और ज्यादा बढ़ाना चाहिए, ठीक है, देश के और लोगों को वहां तक पहुंचाने की कोशिश करनी चाहिए ताकि बेटर वहां पे क्या बन सके, एक टूरिज्म डेवलप हो सके, वहां पे लोगों के बीच में सोशल कॉन्टेक्ट अच्छा बन सके, तो ये एक बहुत अच्छा क्या तरीका हो सकता है। फिर क्या, एड्रेसिंग द सिक्योरिटी कंसर्न, सिक्योरिटी कंसर्न अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, नो डाउट हम लोग चाइना वाले थ्रेट को ऑलरेडी नोटिस कर चुके हैं, अगर गवर्नमेंट इसको सीरियसली लेगी तो हम लोग इसको और ज्यादा बेटर तरीके से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। फिर जो हमारा ओपन बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ और म्यांमार के साथ, उसको भी थोड़ा सा हमको फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि म्यांमार और बांग्लादेश के बॉर्डर के थ्रू क्या चाइना काफी ज्यादा क्या कर सकता है, वहां पर इन्फ्लुएंस अपना बढ़ाने की कोशिश करता है, लोगों को हथियार पे वो अवेलेबल करवाता है। अब इन सबको अगर हम लोगों ने ठीक तरीके से अगर हम लोगों ने टैकल कर लिया, वहां की जो प्रॉब्लम्स है उनको रिजोल्व कर दिया, तो अपने आप में बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट आ जाएगा, अगर इस सिक्योरिटी कंसर्न को हम लोगों ने थोड़ा सा ध्यान दिया तो। फिर इंप्रूविंग द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी, ये खैर मैंने आपको बताई दिया है, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के साथ जोड़कर अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा डेवलप होता है, वहां पे स्कूल्स डेवलप होते हैं, सड़कें डेवलप होती हैं प्रॉपरली, ठीक है, लोगों को एक प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी के लिए वहां पे डैम्स डेवलप किए जाते हैं, तो अपने आप में इसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। वहां के खुद के जो बच्चे हैं, इंजीनियर्स हैं, उनको क्या वहां पे अपने आप ही ऑप्शन मिल जाएगा जॉब करने का, जब उनके ही एरिया में इतनी सारी सर्विसेज होंगी तो वो क्यों बाहर भटकेंगे बेचारे, ठीक है, क्यों बाहर वो इधर उधर नौकरी के लिए धक्के खाएंगे, उनके लिए जब एक अच्छा खासा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाएगा वहीं पर, तो फिर वो वहीं पर ही क्या कर पाएंगे, एक बेटर लाइफ के लिए मतलब जीवन जी सकते हैं, बट उसके लिए क्या एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना जरूरी है सबसे ज्यादा। तो ये सारे के सारे वो सॉल्यूशन थे। अब देखो यहाँ पर मैंने आपको 5 तो दिए हैं कॉजेज एंड 5 दिए हैं आपको मतलब 4 दिए हैं कॉजेज एंड 5 दिए हैं आपको सॉल्यूशन। इन्हीं को अगर आप लोग, मैं आपसे बोलूं डिबेट राइटिंग या आर्गुमेंट राइटिंग में लिखने के लिए, तो आप उसमें भी इनका बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हो। तो आपके पास एक तरह से बोला जाए ऐसे और आर्गुमेंट राइटिंग, आज ये टॉपिक दोनों में काम आ जाएगा आपके। अब फाइनली जरा बात करते हैं इसके एंडिंग क्या करोगे, ठीक है। तो नो डाउट हम लोग इस चीज को पहले बताएंगे कि हाँ भाई हम लोग ये एक्सेप्ट करते हैं कि नो डाउट हम लोग नॉर्थ ईस्ट इंडिया में मल्टीपल जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हम लोग फेस कर रहे हैं, उनको हम लोग देख रहे हैं, बट जो डिमांड है उसको भी क्या करना है हमको यहाँ पर फुलफिल करना है। कौन कौन सी डिमांड है, तो अभी जो हम लोगों ने सॉल्यूशंस में बात की, इंक्लूसिव गवर्नेंस, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, सोशल कंसर्न्स, ठीक है, एड्रेसिंग द सिक्योरिटीज, इन सब बातों को हम लोग एड्रेस करते हैं, एंड देन फाइनली हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द ऑल स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट, लोकल कम्युनिटीज, सोशल सोसाइटीज, ऑर्गेनाइजेशन, रीजनल एंड इंटरनेशनल, तो इन सबको क्या आपस में लाकर यहाँ पे क्या एक सस्टेनेबल क्या सिचुएशन क्रिएट करनी होगी। फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली आपने सुना होगा 2021 में जापान ने एक बहुत बड़ा अमाउंट क्या इंडिया को देने की बात की थी, बट वो अमाउंट क्या उसमें से काफी सारा अमाउंट तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कहा नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में डेवलप करने में लगाना था। तो आखिर जब अगर हम लोग इस तरह का इंटरनेशनल एक अप्रोच लेकर आएंगे, इंटरनेशनली लोगों को क्या प्रमोट करेंगे कि आप आइए नॉर्थ ईस्ट में और यहाँ पे आकर चीजों को क्या कीजिए, डेवलप कीजिए। अब इसका बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। इंडिया ने मतलब हम लोगों ने जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर से आर्टिकल 370 हटाया। 370 हटाने के बाद हम लोगों ने क्या किया, जम्मू एंड कश्मीर को डेवलप करने के लिए वहां पर जो इन्वेस्टमेंट करवाई है वो किससे करवाई है, सऊदी कंट्रीज से करवाई है। अब सऊदी कंट्रीज से इन्वेस्टमेंट है तो नेक्स्ट टाइम पाकिस्तान अटैक करने से डरेगा कि भैया इन्वेस्टमेंट सऊदी की है, पैसा सऊदी का है, अगर गलती से भी सऊदी का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे डिस्टर्ब हुआ
तो सऊदी हमें पैसा देने से मना कर देगा और पाकिस्तान की कंडीशन है तो वो कटोरा लेकर घूमने वाली है। तो सेम वैसे ही हमको भी यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमको नॉर्थ ईस्ट वाली रीजन में जापान से हम लोगों ने, अब नो डाउट हमको पता है जापान और चाइना का 36 का आंकड़ा चल रहा है इस वक्त, इसी तरह से हम ताइवान से हेल्प ले सकते हैं, वियतनाम से हेल्प ले सकते हैं, हम ऐसी कंट्री से हेल्प लें जो काफी हद तक क्या चाइना के अगेंस्ट है। तो जब ऐसी कंट्रीज का वहां पे इन्फ्लुएंस बढ़ जाएगा तो नो डाउट चाइना के पास क्या एक काफी हद तक क्या एक मतलब वो हमारे पास एक प्लस पॉइंट आ जाएगा और चाइना कहीं ना कहीं यहाँ पर अपने आप को दबा हुआ महसूस करेगा, वो डायरेक्टली क्लेम करने से फिर बचेगा यहाँ पर आप लोग। इसीलिए हमारा क्या वहां पे इन्वेस्टमेंट करना, वहां पर क्या इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना बहुत जरूरी है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है अस्काई चीन। अस्काई चीन में हम लोगों ने डेवलपमेंट ही नहीं किया था, हमने कुछ किया ही नहीं था अस्काई चीन वाले पार्ट पे, जो हमारा एक्चुअल में लेह लद्दाख का पार्ट था उसमें हमने किया ही नहीं था। तो आज के टाइम पर उस वाले पार्ट को क्या चाइना ने अपने हाथ में ले लिया और उसके बाद हमारे सो कॉल्ड प्रधानमंत्री साहब जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या बोल दिया कि वो वहां पर तो वैसे भी बंजर जमीन है, वहां पे कुछ पैदा तो होता नहीं है, वो तो वैसे भी खाली पड़ा हुआ एरिया है, पत्थर और पहाड़ है, उनका हमारे लिए वैसे भी कोई काम नहीं है, कोई बात नहीं चाइना ले लिया तो जाने दो। ये बहुत बड़ी मतलब ब्लंडर मिस्टेक है। वो अपने आप में कितना बड़ा रिच रिसोर्स है, अभी हमें जम्मू कश्मीर में लिथियम का कितना बड़ा रिच रिसोर्स मिला है, क्या पता उस अस्काई चीन वाले रीजन में कितने बड़े बड़े रिसोर्सेज छुपे हों हमारे लिए। ये लिटरली बहुत बड़ा ब्लंडर था जो हम लोगों ने किया था, ठीक है। वही चीज यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट के साथ भी हमारी पिछली सरकारें करती रही हैं और फाइनली अब हमें क्या इस चीज के ऊपर फोकस करना है विद द कंसर्न द एफर्ट ऑफ द कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच। हमको यहाँ पे एक लेकर आनी पड़ेगी कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच, एक साथ मिलकर हमको यहाँ पर क्या काम करना पड़ेगा जिससे एक लंबे टाइम तक पीस और स्टेबिलिटी को, प्रोस्पेरिटी को हम लोग वहां पर लेकर आ सकें और इस तरीके से हम लोग वहां के लोगों को, वहां के रीजन को क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं और उसे बाकी रेस्ट ऑफ इंडिया के साथ क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। और इंडिया के साथ कनेक्ट करने के लिए हम लोगों ने बहुत सारे ऑप्शंस अपना रहे हैं, जैसे कि रिसेंटली हम लोग त्रिपुरा और इंडिया का जो कलकत्ता वाला रीजन है उसके बीच में कनेक्टिविटी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग रिसेंटली जो गंगा क्रूज जो हम लोगों ने अभी रिसेंटली शुरू किया है, ठीक है, वो हम लोगों ने स्टार्ट किया जो कि इंडिया से निकल के जाता, मतलब बनारस वाले रीजन से निकलता हुआ जाता है और कहाँ बांग्लादेश होते हुए असम होते हुए ऑलमोस्ट हमारे अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर तक जाता है, ठीक है, हल्दिया तक जाता है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट जो रूट डेवलप किया क्यों किया हम लोगों ने, इसीलिए किया है ना ताकि हम लोग जितना ज़्यादा हो सकता है उतनी ज़्यादा कनेक्टिविटी बढ़ा सकें इसकी। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। तो हिंदी वाले बच्चों के लिए हिंदी में मैंने दे रखा है, इंग्लिश वाले बच्चों को इंग्लिश के लिए दे रखा है और दोनों ही लोगों को यहाँ पे अच्छे से समझ में आ गया होगा क्या पॉइंट है, किस तरीके से इस एसे को टैकल करना है। अब फाइनली बात करते हैं अपने आज के होमवर्क की। तो होमवर्क क्या है, द फ्यूचर ऑफ इंडिया, एंटरप्रेन्योर्स इन्वेस्टर्स सॉरी इन्वेंटर्स एंड ड्रीमर्स, भारत का भविष्य उद्यमी आविष्कारक और सपना देखने वाले ड्रीमर्स। आपको इस चीज के ऊपर क्या करना है, एक बहुत खूबसूरत सा ऐसे लिखना है, बहुत खूबसूरत पॉइंट है, बहुत ही अच्छा पॉइंट है। आप इसके ऊपर इतना सब कुछ लिख सकते हो ना, मतलब सारी चीजें, बहुत सारी पॉजिटिव पॉजिटिव बातें हैं यहाँ पे, आपको जो कुछ आता है, आप फ्यूचर में इंडिया को किस तरीके से देख रहे हो, आप वो सारी चीजें यहाँ पे लेकर आ सकते हो। द फ्यूचर ऑफ इंडिया, एंटरप्रेन्योर्स इन्वेंटर्स एंड ड्रीमर्स, ये एक्चुअल में ऐसे आप लोगों की सोच के ऊपर डिपेंड करता है, आप इंडिया को किस तरह से देखते हो यहां से पता चलेगा। तो ये आपका ऐसे, मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग इस ऐसे के ऊपर आंसर करते हैं। आंसर देने का तरीका आपको पता है, आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। इसके अलावा आप लोग चाहो तो हमें जो हमारा ग्रुप है वहां पर डाल सकते हो, जो हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप है वहां पर जाकर डाल सकते हो। और मेरा नंबर, या आप लोगों को पता ही काफी सारे बच्चों के ऑलरेडी मेरा नंबर जा चुका है, आप लोग ग्रुप से वहां से ले सकते हो, वहां पर डायरेक्टली मुझे अप्रोच कर सकते हो, क्योंकि ग्रुप में ऑलरेडी इतने सारे बच्चों के मैसेज आ जाते हैं तो वो बाकी बच्चों के लिए डिस्टर्बेंस हो सकता है। तो प्लीज आप लोग कोशिश कीजिए कि आप लोग डायरेक्टली मेरे नंबर पर क्या कीजिए, मैसेज कर दीजिए, अपना ऐसे डाल दीजिए, तो मैं वहां से आपको डायरेक्टली आपका ऐसे चेक कर पाऊंगा, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज जितना हो सके आपको अपना प्यार देना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। और प्लीज कमेंट करके ये बताओ आपको कौन कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए ताकि हम लोग और ज्यादा बेटर वीडियोस बनाएं और ज्यादा अच्छे अच्छे टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाएं और आप लोगों का प्यार हमारे पास आता रहे इसी वजह से। तो फिलहाल आई होप, मैं उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कोई कमी लगती है तो प्लीज वो भी मुझे बताइए और आप किस तरह के वीडियोस चाहते हैं वो भी बताइए। फिलहाल मुझे इस वीडियो में दीजिए विदा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।